हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा दिखा रही हूँ और सब इंग्रेडिएंट्स इजीली घर पर अवेलेबल हैं जो आप झटपट बना सकते हैं। अगर बच्चों को भूख लगी है, फटाक से कुछ बनाना है, तो ये एक सिंपल और इजी रेसिपी है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये है मोज़रेला चीज़ क्यूब्स, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, मैंने कुछ कैप्सिकम के क्यूब्स लिए हुए हैं और ऑनियन के क्यूब्स। इसमें आप अगर कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो केचप लिया है मैंने। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस है, पिज़्ज़ा केचप है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे पास टोमेटो केचप है, तो मैं उसी से आपको पिज़्ज़ा बनाने सिखा रही हूँ। और हल्का सा सॉल्ट भी लगेगा टेस्ट के लिए। और ये चपाती हमारा मेन इंग्रेडिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये पिज़्ज़ा या तो ओवन में बना लीजिए या फिर गैस में बना लीजिए, आपके ऊपर है, आपको कैसा बनाना है। आज मैं आप लोगों को गैस पे दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने मेरा पैन ऑलरेडी गैस पे ऑन करके रख दिया हुआ है, स्लो गैस पे, ताकि वो थोड़ा हीट जनरेट करे उसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं बनाने को। पहले मैं इसके ऊपर सॉस डालूंगी। ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस नहीं है। इसको पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा ओरेगानो डालूंगी। आप चाहे तो ये टमाटो केचप में ही मिक्स करके डाल सकते हैं, तो वो आपको पिज़्ज़ा सॉस का ही फ्लेवर देगा। ये थोड़े चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, हल्का सा चिली फ्लेक्स। अगेन आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो ज़्यादा डाल देना, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं वो लोग तीखा नहीं खाते हैं तो हल्का सा डालना। अभी इसके ऊपर मैं हल्का सा चीज़ स्प्रेड करती हूँ। आपके पास अगर ये क्यूब चीज़ नहीं है, स्लाइस चीज़ अवेलेबल है, तो वो भी आप इस यहाँ पे स्लाइस चीज़ रख दीजिए, वो भी चलेगा। अब मैं थोड़ा सा ऑनियन क्यूब्स डालूंगी। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बची हुई रोटी के साथ में बना रही हूँ, तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी इंग्रेडिएंट से बनाना सिखा रही हूँ। लेकिन मैं साथ में आपको बताती जाऊँगी कि आप लोग क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के हिसाब से, अगर आपको दूसरे वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉर्न हो गया, या फिर बेल पेपर्स हो गए, मिक्स बेल पेपर्स जो आते हैं, मशरूम हो गया। तो आपको जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि हमारे वेजेस में सॉल्ट नहीं है, तो वो फीका लगेगा अगर सॉल्ट नहीं डालेंगे। तो हल्का सा डालना है। चाहिए तो वापस से आप टमाटो केचप ऊपर से हल्का सा ड्रिजल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ड्रिजल कर देना, उनको टमाटो केचप ज्यादा पसंद होता है। अब मैं वापस से एक चीज लेयर डाल दूंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर वापस से फिर से मैं अभी इसमें ओरेगानो स्प्रिंकल करूंगी हल्का सा फ्लेवर के लिए, और हल्का सा चिली फ्लेक्स। अब इसको मैं रखूंगी मेरे पैन में, जो मैं ऑलरेडी प्री हीटिंग के लिए रखा हुआ है, ताकि ये मेरा पिज़्ज़ा जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि मेरा बेस जो है ऑलरेडी कुक्ड वाला है। ये मेरा चपाती है जो ऑलरेडी मेरा कुक्ड है, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों को इसको पैन में उतनी ही देर रखना है जितने टाइम में ये चीज़ हमारा ऊपर से मेल्ट हो जाता है और हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है। अगर ब्राउन कलर नहीं भी आया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन चीज़ मेल्ट होने तक उसको थोड़े देर के लिए पैन में रखना है। ये मैंने पैन हीट करने के लिए रखा हुआ था, इसमें हल्का सा हीट जनरेट
2-3 मिनट हो गए हैं, चलो चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा चीज मेल्ट हो चुका है, ये हमारा अभी रेडी है। तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि साइड्स इसका देखो क्रिस्प हो गया है। इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। चपाती पिज्जा रेडी हो गया, चलो इसको सर्व कर लेते हैं। चलो इसको कट कर लेते हैं, ये देखिए कितना क्रिस्प हो गया है ये। अगर आपके पास ज्यादा चपाती बचे हुए हैं या ज्यादा लेयर अवेलेबल है आपके पास, तो आप इसके ऊपर लेयरिंग भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के लेयर्स दे सकते हैं ज्यादा चपाती का। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।